बहुत सारे डार्क ड्रामा और फाउल लैंग्वेज और सेक्सुअली क्वाइट एक्सप्लिसिट वाले शोज चल रहे थे, जिनमें बहुत सारे अच्छे शोज भी है, लेकिन यू नो अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ बैठ करके ऐसे वेब शोज देखने और जो क्लीन और इजी व्यूइंग हो वैसे कम थे, और जो थे वो कुछ अच्छे थे और कुछ ठीक थे। आई थिंक वो स्पेस में इन दैट सेंस थोड़ी ओपनिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे कोई सिंपल हैप्पी शो देखने की भी मतलब गुंजाइश है किसी को, ऐसे शोज है नहीं। और उतने में मुझे शो की ऑफर आई और मुझे लगा ये प्यारी सी सिंपल सी लव स्टोरी है, एक कपल जो प्यार में विश्वास रखता है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप में विश्वास रखता है और अपने फैमिली को अपनी प्रायोरिटी करता है, जो हमारा इंडियन कल्चर ट्रेडिशन है, और कैसे हर किसी चैलेंजेस से अपने प्यार को अपने रिलेशनशिप को बचा करके आगे बढ़ाते हैं। उस कपल की कहानी थी और मुझे बड़ी प्यारी सी लगी, इजी सी और डेप्थ वाली लगी। तो मैंने कहा ये इससे बेहतर शो नहीं होगा शुरुआत है। वेल तो नंदिता और की क्लैरिटी थी, नंदिता और मैंने क्रिएटिवली डिसाइड किया था कि हम लोग टिपिकली जैसे कि पंजाबीज या सिंधीज या पारसीज या गुजरातीज या जो भी है कम्युनिटी को एक टिपिकल यू नो पिक्यूलैरिटीज़ इन टर्म्स ऑफ देयर स्पीकिंग होती है, जिसको हम ज़्यादा एसेंशिएट करके फिर प्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा वो अब ऐसा नहीं करते हैं, इसको जैसे घर पे कोई बंदा गुजराती बोलता होगा उस तरीके से रखते हैं, या घर पे कोई पंजाबी बोलता है तो ओ जी तुझी रूसी मतलब वो करते होंगे, बट लेकिन जो ज़्यादा हम लोग एग्जैजरेट करके करते हैं उस किस्म का नहीं करेंगे। तो ये डिसाइड किया, तो उसके बाद जब हम करते गए तो हम सबको बड़ा मज़ा आ रहा था कि यू नो जहाँ 10 लाइन हो तो एक आध दो लाइन वो गुजराती में नॉर्मली बोल देता था और वो एक अच्छा कलर ऐड कर रहा था इस कैरेक्टर को। डन परफेक्टली तो पता नहीं, कोशिश ये है हम लोग ने, लेकिन हाँ कैरेक्टर मुझे रिलेटेबल लगा, नॉर्मल बंदा है जो प्यार में विश्वास रखता है और कमिटमेंट में विश्वास रखता है, तो मैं कहीं कुछ उसी ज़माने से हूँ तो मुझे ये बंदा करेक्ट लगा। मेरा ख्याल है अभी भी इवन द यंगर जनरेशन आई थिंक देर आर मतलब अगर आप लव में तो विश्वास करते ही होंगे यंगर जनरेशन, मस्ट बी वॉन्टिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, बने ना बने अलग बात है, बिकॉज बोथ यू नो द पार्टिसिपेंट्स इन द रिलेशनशिप लैक ऑफ पेशेंस इफ यू हैव देन इट्स आई वांट टू वर्क आउट एंड दैट इज़ बीन द चैलेंज फॉर एवर, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इट्स अबाउट हाउ यू बैडली यू वॉन्ट अ रिलेशनशिप और नॉट। लाइक वाइज फॉर योर फैमिली रिलेशनशिप्स, हर रिलेशनशिप में अगर आपको उसका मज़ा लेना है तो कमिटमेंट और एक क्या कहते हैं टाइम तो देना पड़ता है, और अगर नहीं दे पाओगे तो फिर वो रिलेशनशिप उतना ही रंग ला पाएगी जितना आप उसमें रंग करना चाहोगे। नहीं अब आसान हो गया, पहले थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए था कि हम लोग सोचते थे कि वक्त मिलेगा तब छुट्टी मना लेंगे, लेकिन अब बच्चों की छुट्टियां डिक्टेट करती है कि आप कब छुट्टी मनाएंगे, तो हमें चूँकि बच्चों की स्कूल के हिसाब से हमें पता है कि इस महीने में छुट्टियाँ होगी, तो हम पहले से ही प्लान करके रखते हैं और वो 10-15-20 दिन जो भी है वो बचा के रखते हैं और छुट्टियाँ मना लेते हैं। आई थिंक बेस्ट पार्ट अबाउट बारिश अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग अ गुड शो लाइक इट आई थिंक इज अ बॉन्ड ऑल ऑफ अस शेयर्ड ऑन द सेट, सभी की अच्छी बनी एक दूसरे के साथ, एंड पूरी क्रेडिट जानी चाहिए नंदिता और भैरवी को जो शो के प्रोड्यूसर्स हैं, नंदिता जो शो की डायरेक्टर हैं, कि उन्होंने माहौल ऐसा क्रिएट करके रखा, सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरह से मैनेज थी और एक हैप्पी और लाइट एटमॉस्फेयर रखा था ताकि सब लोग एंजॉय कर सकें अपने काम को, और फिर सबकी आपस में अच्छे से बनी तो काम बड़ा आसान हो जाता है। काम तो सभी करने आए हैं, प्रोफेशन है, काम अपना करके चले जाएंगे, लेकिन जब माहौल अच्छा होता है तो काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। मैं भी फ़ोन पे देखता हूँ, बिकॉज रात को एक समय के बाद माय वाइफ लाइक्स टू गो टू स्लीप अर्ली एंड आई लाइक टू स्टे अवेक टिल लेट। अब टेलीविजन सेट ऑन करके उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, वो बाहर मुझे जा कर के देखने नहीं देती, कहते हैं कि वो यू विल स्लीप वेरी लेट सो यू वॉच योर ओनली, सो माई ओनली ऑप्शन इज़ टू वॉच इट ऑन माई फ़ोन,
I put on my headphones and watch it on my phone and I'm happy to do so. मुझे स्क्रीन बड़ा छोटा इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो छोटे स्क्रीन पे मतलब वो फ़ोन के स्क्रीन पे भी खुशी खुशी देख लेता हूँ। कई सारे मैंने वेब शोज ऐसे ही देखे हैं, तो अच्छी बात है। इट्स ग्रेट, इट्स गोइंग टू बी ओनली वंडरफुल फ्रॉम द पीपल्स पर्सपेक्टिव एंड ग्रेट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। करना पड़ता है, हम सब ने किया है, जो चीज़ सही है वो सही है और वो सही चीज़ के करने पे आपको पता है कुछ अच्छा आपके करीबी लोगों को दुख पहुंचेगा, लेकिन जो करना है वो करना है। आप मानते हो और आप जानते हो और आप समझते हो और आपने मशवरा लिया लोगों का कि ये सही चीज़ है कि गलत चीज़ है, और सब लोग कहते हैं कि यही सही चीज़ है, तो कई बार अपने नज़दीक वालों का दिल दुखा कर के लिए करना पड़ता है। बस बारिश आ रही है 25 अप्रैल को, इस बारी वक्त से पहले हमारे वेब शो के ज़रिए देखिएगा ऑल्ट बालाजी के प्लेटफॉर्म पे, आपको बहुत मज़ा आएगा।